हेलो नमस्ते, मैं सीमा नाथ आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दीपावली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आइए। तो ये दीपावली में दोपहर का समय है, करीब 3-3:30 बजे होंगे। तो जो भी पुराना बेडशीट था, सोफ़ा का कवर था, सबको मैंने हटा दिया है और गंदगी जो निकली है उसको मैं झाड़ू करके हटा लूँगी घर से, क्योंकि पूजा पाठ में तो घर का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी होता है और ख़ास करके दीपावली में तो सफाई की बहुत अहमियत है। इसलिए मैंने सबसे पहले सबको अच्छे से हटा के पुरानी चीज़ों को और झाड़ू लगा करके और जो डस्ट गिरा हुआ था उसमें मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पर, ताकि घर जो अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद यहाँ पर सोफा का नया कवर मैं लगा रही हूँ। मैं पूजा पाठ में पुरानी हर चीज़ को हटा करके नए नए चीज़ को लगा देती हूँ, जैसे सोफ़ा का कवर हुआ, बेडशीट हुआ, ये सब मैं चेंज कर देती हूँ। इससे घर का लुक इतना अच्छा आता है, एक फेस्टिव लुक आ जाता है घर का और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। तो साफ़ सफाई करते करते धीरे धीरे शाम हो रहा है, इसलिए मैं तेज़ी से सारी चीज़ों को कर रही हूँ। मैं आए दिन जो कवर लगाती हूँ उस पर मेरा डॉगी जो है अधिकतर बैठ जाता है, और जब से आतिशबाजी होनी शुरू हुई है तो मत पूछिए, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो बैठ नहीं रहा है। उसको संभालना हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं पूजा पाठ में पुरानी जो भी रहती है, सोफ़ा की कवर हो या दीवान सेट हो, उसको मैं हटा लेती हूँ और एकदम फ्रेश फ्रेश बिछा करके पूजा पाठ कर लेती हूँ। और पूजा पाठ करने की थोड़ी देर बाद में उसको हटा के फिर से पुराना ही चीज़ को लगा देती हूँ, ताकि डॉगी उसको गंदा ना करे। तो बस यहाँ सोफ़ा को मैंने तैयार कर लिया है। और अब दीवान को मैं अच्छे से सजा लूँगी दीवान सेट के साथ। तो अब दीवान को भी मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब डाइनिंग टेबल का जो पुराना कवर था उसको मैंने हटा लिया है और ये नया कवर डाइनिंग टेबल पर लगा दूंगी। जब भी दीपावली आती है तो मैं धीरे धीरे ख़रीदारी करने लगती हूँ, ताकि जो जब त्यौहार आए तो मैं घर को एक नया लुक दे सकूँ, एक प्यारा लुक दे सकूँ। तो ये देखिए, अब डाइनिंग टेबल भी मैंने तैयार कर लिया है और ये हमारे घर के बाहर का लुक है। कुछ इस तरह से हम लोगों ने अपने घर को सजाया था, संवारा था दीपावली में। और ये मेरे गार्डन का लुक है, जिस पर पेड़ को भी हम लोगों ने सजा दिया था। वीडियो में उतना खूबसूरत नहीं आया है, लेकिन घर में बहुत देखने में खूबसूरत लग रहा है। और अब देखिए, ये सारा
घर को सजाने संवारने के बाद का लुक है। और यहाँ पर मैंने टी होल्डर बनाया है और ये मोमबत्ती मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। जब भी दीपावली का त्यौहार आता है तो मैं ये सारी चीज़ें अपने हाथों से तैयार करना शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए, जब घर में पूजा पाठ हो गया उसके बाद घर में सारी जगह जो भी मोमबत्ती थे, जो भी कैंडल थे, सबको हम लोगों ने जला दिया था। उसके बाद का लुक है ये। और ये देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है घर का। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।